ये तो ऐसा वस्तु स्वरूप है कि मैं बार बार तत्व विचार करूंगा तो मेरा मोह ढीला पड़ेगा। ये पूजा पाठ भक्ति करने से मोह ढीला नहीं पड़ता, इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ। दया दान पूजा भक्ति करने से मोह माने मिथ्या, क्योंकि ये तो जो है ये दया दान पूजा भक्ति होते चार मोह के उदय में, कि दर्शन मोह करने का कोई संबंध नहीं। एक आदमी महामिथ्या दृष्टि हो सकता है, महामिथ्या दृष्टि कह रहा हूँ, और वो तुमसे हजार गुनी पूजा कर सकता है। नहीं समझ में आया? उसके दर्शन मोह ने पूजा कहाँ रोकी उसकी? ये गिरीत मिथ्या दृष्टि है जो तीव्र मिथ्यात् उदय में होता है ना, गिरीत मिथ्यात् का सेवन है, ये पूजा पाठ करते कि नहीं करते? चंद्र प्रकाश जी करते कि नहीं करते? गिरीत मिथ्या दृष्टि है वे तुमसे ज्यादा पूजा पाठ करते कि नहीं करते हैं, और उनके दर्शन वो तीव्र है कि नहीं, मिथ्यात् तीव्र है कि नहीं है? तो तीव्र मिथ्यात् होने से पूजा पाठ नहीं रुकता, लेकिन तीव्र मिथ्यात् होने से तत्व विचार नहीं करता, स्वाध्याय नहीं करता, जनवाणी नहीं सुनता। क्योंकि सच्ची तत्व सुनने के लिए, जनवाणी सुनने के लिए दर्शन मोह ढीला होना जरूरी है। हम सब जो यहाँ आत्मा की बात सुनने बैठे हैं ना, तो हमारा दर्शन मोह औरों के मुकाबले ढीला है। अब इसमें तुम सदुपयोग करो तो इसका नाश हो सकता है, लेकिन अब अपन सदुपयोग ही नहीं करते। ढीला तो है, कमजोर तो है, तब तो अपन को ये जनवाणी तत्व सुनने में आनंद आता है। अगर अभी किसी का दर्शन मोह ढीला हो जाए तो उठ के चला जाए, तेज हो जाए तो चला जाए। और आप लोगों में से अगर किसी का भजन सुनने में मन नहीं लगता हो तो समझ लेना हमारा दर्शन मोह तीव्र है, ये पक्की बता रहा हूं। मैंने पूजा पाठ में मन लगता हो और स्वाध्याय आदि में बिल्कुल मन नहीं लगता हो तो समझ लेना कि दर्शन मोह तीव्र है और वो चारित्र मोह मंद है। क्योंकि जो दया दान पूजा व्रत तीर संयम होते चारित्र मोह की मंदता में, और पंचेंद्रिय के विषय भोगों में प्रवृत्ति होती है चारित्र मोह की तीव्रता में। ये कर्म की तरफ से समझा रहा हूं, समझ में आया? अब क्या होता है, ये हमारा जो दर्शन मोह है ना, इसकी सुरक्षा करने वाला ये चारित्र मोह है। ये अनादि काल से अपन द्रव्यलिंगी मुनि बन गए ना, बने कि नहीं बने? बने तो अपना दर्शन मोह सुरक्षित कैसे रह गया? उसको किसने बचाया? अपन ने घर गृहस्थी मकान दुकान स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सब छोड़ दिए ना, नग्न हो गए ना अपन, एक टाइम रोटी खाई ना अपन ने, किसी का मंडल लिया ना, तो अब ये दर्शन मोह सुरक्षित कैसे रह गया? चारित्र मोह बचा लेता है दर्शन मोह, क्योंकि चारित्र मोह पहले पड़ता है और दर्शन मोह उसके पीछे छुपा रहता है। तो ये सारी प्रक्रिया चारित्र मोह में होती रहती है, और अपन अपने को नाप तोल चारित्र मोह से करते रहते हैं, और दर्शन मोह बिल्कुल सुरक्षित बैठा रहता है, वहां तक हमारी नजर जाती है। जैसे देखो, अभी आप अपने को पापी मानते हो तो काय के आधार से मानते हो? दर्शन मोह के आधार से। वो देख लो, इतने सरल बात उठाई मैंने। अरविंद जी समझ में आ रहा है? करना नहीं हो गया थोड़ा सा? दर्शन मोह माने मिथ्या, और चारित्र मोह माने खाने पीने उठने बैठने सोने की पूजा पाठ के परिणाम। ठीक है, अब आप में से हम में से सब में से विचार करें, हम अपने को पापी किस आधार से मानते? चारित्र मोह से के दर्शन मोह से? चारित्र मोह से। और पुण्यात्मा का ऐसे मानते हैं? चारित्र मोह से। और धर्मात्मा का ऐसे मानते हैं? चारित्र मोह से। हमारी तीनों चीजें इन पे ही चिटकी हुई है। देखो समझो, आप विषय भोगों में चले गए तो मैं पापी, ठीक, आप पूजा पाठ में आ गए तो मैं पुण्यात्मा पुजारी, और आप स्वाध्याय आदि में लग गए, त्याग व्रत ले लिया तो मैं धर्मात्मा। बस ये तीन कैटेगरी है, इसलिए साधु धर्मात्मा है, श्रावक पुण्यात्मा है, और ग्रस्त पापी है। और क्या,
गृहस्थों को पापी से ज्यादा उपमा नहीं है, पता गृहस्थियों गृहस्थियों को तो गृहस्थ है जो, उनके लिए तो एक काम दे रखा है कि तुम हो तो पापी। जी महाराज। कि तेरी पत्नी, जी महाराज। व्यापार, जी महाराज। पापी है तू, जी महाराज। अब करना क्या है महाराज? कि देख तुझे थोड़ा बहुत पुण्य कमाना हो तो तू हम लोगों की सेवा कर, भैया वृद्धि कर, हम आदेश देते हैं तो आश्रम में पैसा दे, समझ में आया, प्रतिमा विराजमान कर, मंदिर बनवा, है ना, ये कर, इससे तुझे पुण्य मिल सकता है, बाकी है तो तू पापी। मुनिराजों के हार बाहर की व्यवस्था कर, भाई इतना ही है तेरे खाते में, वो भी कहता है ठीक है साहब, लेकिन जी आप मुझे बाहर से जितना सौदा दिखता है ना सर, इतना है नहीं, ये अंदर से अपन को लगता है कि साधु मालिक है गृहस्थ का, ऐसा लगता है ना कि साधु की सुनता है गृहस्थ, गलत है, गृहस्थ की साधु सुनता है भाई साहब, नकली साधुओं की बात कर रहा हूं मैं आपको। और हमें क्या लगता है कि नेताजी आगे चलते हैं और जनता पीछे चलती है, गलत, नेता हमेशा जनता के पीछे चलता है, दिखता आगे। क्या कहा मैंने? कैसे साहब? अभी देखो मैं बताता हूँ, यहाँ आए कोई नेता तो वो बोई बोई बोलेगा जो जो तुम चाहते हो, आते बोलेगा जय जिनेंद्र, यही चाहते ना तुम, अगर वो जय श्री राम बोल दे तो भैया, वैसे तो जय श्री राम ठीक है याद बात लगा लेंगे, लेकिन ये तो जयंद्र है ना, तो जय, अच्छा सॉरी सॉरी, जय जय जय, ठीक है कि नहीं? अहिंसा परमो धर्म, और मांस मच्छी खाता हो बोलो, नंबर एक तो अपने को सनातनी कहता हो और मांस मच्छी खाता हो, करते हैं कि नहीं करते? तो वो नेता के अनुसरण तुम करते हो तो वो तुम्हारा अनुसरण करता है, नहीं समझ में आया मेरी बात? पकड़ में आ गई आपको इतनी बात? और तो नहीं समझाऊं, नेता कभी आगे नहीं चलता, वो दिखता आगे लेकिन वो हमेशा जनता के पीछे खड़ा रहता है और वो देखता रहता है कि जनता किस चीज को चाहती है, बस नेता बनता ही वो है जो जनता की हवा पहचान ले, वो नेता बन जाता, बिल्कुल सरल है और कुछ कारण नहीं है। तो जनता को लगता है कि हम नेताजी के पीछे, लेकिन नेताजी जनता के पीछे होते हैं, समझ में? ऐसे ही जो नकली त्यागी साधु वृत्ति हैं, ये जनता का अनुसरण करते हैं, जनता इनका अनुसरण नहीं करती। ये कैसे? ये कोई एक साधु बन गया तो वो मिलना तो चाहता है किसी और से, लेकिन हमारी जाति के लोग बुरा मान जाएंगे अगर हम उनसे मिलेंगे, फिर हमें कोई रोटी नहीं देगा। वो पढ़ना तो चाहता है अन्न साहित्य, लेकिन अगर अन्न साहित्य पढ़ते हुए किसी ने मुझे देख लिया तो फिर मेरे को कोई रोटी, तो फिर वो समझ में आ रहा, जैसे पंखा चला रहा, थोड़ा घबराना नहीं है, पंखा चला रहे कोई साधु बंद कमरे में, कोई नहीं है, अपनी मनमानी बातचीत कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, जो कर रहा, हंस रहा, इतने पता चला कि श्रावक आ गए, गृहस्थ आ गए, तो तुरंत पंखा बंद कर, समझ में आएंगे, शांत होकर बैठ जाओ। तो उसने श्रावक का अनुसरण किया कि श्रावक ने उसका अनुसरण किया? समझ में? तो गृहस्थ से वो डरता है कि गृहस्थ साधु से डरता है? कौन किससे डरता है बताओ? ये पंडित डरे डरे घूमते समाज से, क्यों? कि इनकी पंडित आई समाज, आप समझे नहीं मेरी बात? आपको लग सकता है कि ये पंडित के पीछे हम चलते, नहीं, पंडित को आप चलाते हो, और अगर पैसा और देते हो पंडित जी को, फिर तो भाई साहब पंडित एक शब्द नहीं बोल सकते तुम्हारी परमिशन के बिना। देखो मैं कभी कभी बहुत विचार करता हूँ, हालांकि इस पर किसी ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन देना चाहिए,
टोडा मल्ली साहब जैसे महापंडित विद्वान मनोवैज्ञानिक महामनोवैज्ञानिक सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा तीक्ष्ण बुद्धि के धारी आगम के ज्ञाता जिनने इतने साहसी और इतने क्रांतिकारी थे कि हाथी के पैर के नीचे कुचल दिया लेकिन अपना स्टेटमेंट नहीं बदला, समझ में आया। इतने जबरदस्त वो टोडा मल्ली साहब, वे टोडा मल्ली साहब इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखते हैं कि वक्ता की आजीविका अपनी होनी चाहिए। अब ये लाइन मैं आपसे पूछता हूं कहां से आ गई, क्योंकि ये कोई ग्रंथों में तो है नहीं, कोई आगम में कहीं से पढ़ के लिख दी, ये तो बिल्कुल चिंतन की बात है। ये चिंतन वक्ता के स्वरूप में टोडा मल्ली ने क्यों डाला, जबकि टोडा मल्ली खुद एक सेठ के यहाँ रहते थे, बताया आप, पहले सिंघाड़ा में नौकरी करने आए, फिर यहाँ परेशान होते रहे, फिर वापस गए जयपुर, तो एक सेठ मिले, समझ में आया कि नहीं आया, और उन्होंने कहा आप तो अपनी साधना करो कि सब हम देखेंगे आपका। तो भी टोडा मल्ली को ये बात लिखनी पड़ी, क्यों, कि टोडा मल्ली ने कहीं फील किया होगा कि कहीं ना कहीं हल्का सा बंधन तो महसूस होता है, समझ में आया कि नहीं आया। उनने लाइन ही डाल दी कि कुछ भी हो वक्ता तो तभी शोभा को प्राप्त होगा जब वो समाज पे डिपेंड नहीं होगा, अगर वो समाज और संस्था पे डिपेंड होगा, समझ में आया, तो वो गारंटी से उस तरीके से सत्य नहीं बोल पाएगा जैसे सत्य उसे बोलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बचा लेगा, सेठ जी की जबरदस्ती प्रशंसा करेगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे हृदय हो चाहे नहीं हो, क्योंकि उसे दिखता है इनकी प्रशंसा के बिना मेरा काम बनेगा नहीं। तो अपने को लगता है कि साधु के पीछे जनता चलती है, नहीं, साधु जो नकली साधु बोल रहा हूं वो जनता के पीछे चलता है, वो देखता है कि जनता क्या चाहती है। ये फांस तनक सी तन में चाले चाहे लंगोटी, है ना, तो को भाले, तो लंगोटी हटाने की कितनी जल्दी पड़ती है, जल्दी दीक्षा दे दो, जल्दी दीक्षा दे दो, जाओ दे दे, नहीं, तो बात क्या है, बात यह है कि उतनी इज्जत जनता जब तक नहीं देगी जब तक ये लंगोटी रहेगी, समझ में आया कि नहीं आया। तो अब देखो अपन को अच्छे समझ लेना है, गहराई से समझना है कि भैया ये जो आप और हम बाहर से सोचते हैं ये चारित्र मोह का ही खेल है सारा, काय का खेल है, जिसमें हमारी पूरी जिंदगी चली जाती है, ये बहुत चला जाता है, और वो दर्शन मोह पूरा का पूरा सुरक्षित रह जाता है। इसलिए ये जो चारित्र मोह में जो दया दान पूजा भक्ति के परिणाम है, ये कोई जीव का पुरुषार्थ नहीं, ये कोई पुरुषार्थ से नहीं होते, ये तो कसाई की मंदता हो, चारित्र मोह का उदय कमजोर हो, तो स्वयं में भी कई जीवों को ऐसे परिणाम आते हैं, और किसी किसी जीव के चारित्र मोह का तीव्र उदय हो और वो सम्यक दृष्टि भी हो, देखना कितनी खतरनाक बात बता रहा हूं, चारित्र मोह क्या चीज है, एक सम्यक दृष्टि है वो छह खंड जीतने जा रहा है, और एक मिथ्या दृष्टि है वो साधु बनने जा रहा है, बताओ चंद्र प्रकाश जी किसके ज्यादा पुरुषार्थ, दो जवाब दो, ये क्या पूछा मैंने, नरेश जी हाँ बताओ, एक सम्यक दृष्टि है वो चक्रवर्ती छोड़ो, तुम लोग जल्दी पुराण में पहुंच जाते हो, इधर ही आ जाओ, एक सम्यक दृष्टि है और वो पैसे कमाने में लगा हुआ है, फैक्ट्री चला रहा है, घर गृहस्थी बना रहा है और बड़ा मकान बना रहा है, ठीक है, ऐसी भाषा में समझ में आता है, और मिथ्या दृष्टि है वो साधु बनने जा रहा है, ब्रह्मचारी व्रत ले रहा है, खाने पीने का त्याग कर बैठा है, चद्दर ओढ़ ली, ठीक है। अब मेरा प्रश्न है दोनों में से पुरुषार्थी कौन है, बताओ सुनील जी, इतने जल्दी क्यों बोलते हो, हाँ वो तो कार्ड भी मुझे पता है, अरे वो तो मुझे सब पता है, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप बताओ,
ये तो आपने जल्दी से आगम की बात याद करी और बता दिया। आपसे एक सामान्य क्वेश्चन है, एक सामान्य दो आदमी आपके सामने, अब बताओ किसे पुरुषार्थी मानोगे? पक्का है ना, समझ में? और ये तो आप सब भरत जी के बारे में इसलिए डाउट नहीं करते हो क्योंकि वहां सब में सब लिखा हुआ है उनका, जो छह एक सब में दृष्टि थे तो आपका रास्ता साफ है। अब मैं ये कह रहा हूं अभी बताओ, अभी अभी का हो, अब तुम्हारे पास कोई चश्मा नहीं है, अब पुरुषार्थी किसे मानी? और अगर मैं ये भी कह दूं कि नहीं नहीं ये सम्यक दृष्टि है जो फैक्ट्री में जा रहा है, तो कह दो आप पता क्या कहोगे? हो ही नहीं सकता, सम्यक दृष्टि की ऐसी परिणति होगी? तो मुझे एक समझ में नहीं आया, जब तुम्हें यहाँ का सम्यक दृष्टि की परिणति स्वीकार नहीं है तो भरत जी की परिणति किस आधार से स्वीकार करते? तो बस बात खत्म हो गई, लेट्स ऑल। मैंने वो आगम में लिखा है हम इसलिए मान लेते, माँ की हम अंदर से मानने को तैयार नहीं। अब देखो अपन आगम के बाहर से कैसे दबी रहती है, हम कह रहे एक बार ही कह दो कि हमें नहीं जमती ये बात, कोई सम्यक दृष्टि पंचेंद्रिय के विषय भोगों में प्रवृत्ति क्यों करेगा? लेकिन ये बात कुंद देव ने उठाई, ये बात और बड़े जोर से उठाई, क्योंकि कुंद देव भी ये बात अंदर से समझते थे कि ये बात लोगों के गले पसती नहीं है, भले ही पचा लेते हाँ ठीक है, लेकिन अंदर से वो पसती, इसलिए फिर वो थोड़ा आगे बढ़ गए कि सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के हेतु हैं, कि अब पचाओ, ये सम्यक दृष्टि भोग भोगने नहीं जाता है तो महाराज कहाँ जाता है? बोले निर्जरा करने जाता है। ये क्या अभी तक तो यही था कि चलो जी विषय भोग में जाता है तो पाप में जाता है कि नहीं, बंद करता होगा, यही ठीक था। आप तो ये कह रहे हैं कि वो विषय भोग भोगता है तो उसकी निर्जरा होती है? बोले हाँ होती है। बोले कैसे होती है? बोले देखो उसने पूरा मैं विषय भोगों के कर्म बांध रखे अज्ञानता में, अब एकदम से हट तो जाएंगे नहीं, हाँ क्या हो गया सम्यक दृष्टि, तो अब उदय में आ रहे हैं तो उसके फल में भोगों में लगता है, लेकिन एकत्र बुद्धि से नहीं लगता तो वे सारे भोग काय को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व के उसका बंध हो नहीं रहा और असली बंध वो ही है। समझो गहरी बात बता रहे हैं आपको, ये जो बाहरी है इससे आप किसी को धर्मात्मा मानते हो ये बहुत बड़ी गलती है। किसी के वैसील संयम हो मंद कसाय हो वो प्रशंसा के योग है, कोई वो उसकी निंदा की बात नहीं, लेकिन उसके कारण किसी को धर्मात्मा मत मानो।